मेरे सभी आदिवासी साथियों को मेरा जोहार और हमारे इस चैनल मुंडरी 75 वीलॉग में आपका स्वागत है। तो रोज की वीडियोस की तरह या वीलॉग्स की तरह आज का जो वीलॉग है वो भी हमारा बहुत ज़रा खास होने वाला है, क्या है कि अभी लगभग सुबह के 7:30 बज रहे हैं, हम अभी उठे हैं और फूफू है कि वो 5:30 बजे में ये लोग उठ के घूमने निकल जाता है। तो आज ही अभी हम थोड़ी देर पहले देखिए नीचे तो कल वाला मशरूम आज फिर दिखाई दिया हमें सुबह, तो शायद फूफू ही सुबह सुबह लाई है। तो आज का वीलॉग हम उसी के ऊपर बनाने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। हमारा नाम था क्वैत सकम मशरूम इस नाम से है और सच में उसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त है, इतना ज़्यादा उसका फ्लेवर मेरे को अच्छा लगा, चिकन भी फेल कर दिया उसने। तो आज का वीलॉग हम लोग जानेंगे उसी के बारे में, तो चलिए चलते हैं, दिखाते हैं आपको। रुकी कैमरा चेंज कर, ये देखिए दोस्तों कल वाला मशरूम फूफू फिर से खोज के लाई है। ओहो, इसी को बोलेंगे क्वैत सकम ऊट यानी मशरूम। देख सकते हैं दोस्तों यही लगभग, देख लीजिए सुबह सुबह ये लोग निकल जाता है तो ये सब खोज के लाता है। कल से ज्यादा है तो मतलब आज हमें फिर से खाने को मिलेगा। फूफो, ये तो फूफो आई है, तो मिलते हैं फूफो से। क्या कर रहे हैं? अरे मशरूम कब लेके आए? सुबह सुबह। अरे कल से भी ज्यादा लाए हैं, वाह। और ये पत्ता सब है? पत्ता इसको हाँ रखेंगे। अच्छा ठीक है भाई, वहाँ वाला दिखाते हैं। हाँ तो उसी को तो देखिए, इतना मशरूम लाए हो। मजा आ गया देख के। और कल तो इतना टेस्टी था मत पूछिए, आज तो ये वाला सारा हम ही खा जाएंगे। कल तो नहीं जान रहे थे कि इतना टेस्टी है। देखो इसमें क्या है, देखो। नहीं देखे ज्योति, क्या कर रही है? ओह लगता है दोस्तों और भी लेके आई है, कमाल हो गया दोस्तों। देखो भाई देखो, ये है देखिए। ओहो हो हो, देखिए दोस्तों कम से कम कितना मशरूम हम जिसको कल थोड़ा थोड़ा खा रहे थे, बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट था। जो जिसने चिकन फेल कर दिया, चिकन टेस्ट फेल कर दिया, आज देखिए कितना फूफू लेके आई है, कमाल है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा टेस्टी। ओहो हो, आज तब तो अभी से मेरे मुंह में पानी आने लगा है कि इतना मशरूम ये देखिए फूफू लाई है। तो देखिए अभी फिलहाल के लिए इतना तो फिर मेरे को लगता है एक बार में खत्म भी नहीं होगा। हाँ फूफू, इतना तो खत्म भी नहीं होगा। हाँ ये भी बात सही है, आधा ये को दादी को पहुंचा दे, सकेंगे। अच्छा ठीक है, पहुंचा देंगे। तो दोस्तों ऐसे ही जैसे अगर ज्यादा मिल जाए तो हम लोग इसको लाया जाता है और कुछ इससे आमदनी भी हो जाती है कि आप इसको 2-4 जगह केजा करके बेच भी सकते हैं ताकि दूसरे भी इसका स्वाद चख सकें। कई लोग की मजबूरी होती है कि नहीं जा पाते हैं, नहीं खोज पाते हैं, ठीक है, समय के अभाव से और दूसरे कामों से, तो कम से कम वो लोग पैसा दे के ही इस स्वाद को चख सकते हैं। तो गांव में ऐसा ही होता है। और साथ में अभी जैसे कि फूफू ने बोला कि हम अपनी सकीम को भी देखे आएंगे, अपनी दादी को भी देखे आएंगे वहां, जो कि अभी जिनकी उम्र ऐसी हो चुकी है कि वो अभी ये सब खोजने नहीं जा सकते हैं, तो कम से कम अपने समय में उन्होंने हमें बहुत खिलाया है, बहुत खोज के दिया है, तो अब हमारा भी टाइम है कि हमें उनको ये चीज स्वाद आगे तक देना है। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है फूफू को जमा कर लेने दीजिए, उसके बाद हम लोग मिलते हैं। वही चीज तो, तभी तो बोल, इतना ज्यादा हम तो इसी को इतना ज्यादा बोल रहे थे और आप तो इतना। ओहो हो, और सच में दोस्तों इस ये जो मशरूम है क्वैत सकम ऊट, सच में बहुत जबरदस्त, इसका टेस्ट मेरे को बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल क्या बोलते हैं पेड़ी ऊट की तरह है। मतलब कल जो मैंने खाया उसका मैं क्या बोलते हैं उसको शब्द नहीं है मेरे पास ये बताने के कि कितना स्वाद था। तो ठीक है फूफू, आप इसको ये कीजिए। हाँ तो देख सकते हैं इसको फूफू ने अलग कर दिया है, थोड़ा सा मिट्टी है उसको भी अलग करेंगे, उसको थोड़ा क्या बोलते हैं उसको टुकड़े टुकड़े हो गया है थोड़ा, तो ये वाला सब साबुत है। तो चलिए फूफू अब चलते हैं, क्या नाम है, हैंडपम्प है ना, टेकोए चपकल चलते हैं, जल्दी इसको धोया जाए। और हाँ वो दादी के लिए अलग कर दीजिए, तो दादी को उधर ही दे देंगे ना। इसको
दिखाई नहीं दे रहा था दोस्तों, तो इसीलिए हम आप बाहर ले आए। ये देखिए, ये है आपका कोई सकमूल ना, क्या बोलते हैं, कोई सकमूल। ये देखिए दोस्तों, इतना लाजवाब। और इसकी डंटी जो देख सकते हैं, ये बहुत ही जरा टाइट है, टाइट रहता है, उतना जल्दी ये नरम नहीं होता है। बहुत ही कमाल का ऊंट दोस्तों, और स्वाद तो मत पूछिए। जैसे मैंने आपको बोला कि इसको जरूर एक बार टेस्ट कीजिए दोस्तों, बहुत ही कमाल। जैसे आपको रुगड़ा पसंद है, उसी तरह ये ऊंट भी बहुत पसंद आएगा। चिकन फेल है, हम चिकन लवर हैं, मगर इसको खाने के बाद हम इसके भी लवर हो गए हैं, इतना कमाल का है। तो बहुत मज़ा दोस्तों, तो ज़रूर खाइएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग जा रहे हैं धोने। तो आप लोग को अंदर क्लियर नहीं दिखाई दे रहा था, इसीलिए हम बाहर यहाँ आके ये वीडियो बनाना पड़ा मेरे को। तो अब आप देख सकते हैं कि नहीं, वाह पोपो, बहुत मज़ा आया। आज तो बहुत खाने में मज़ा आने वाला है। चलिए चलिए, अच्छा कोई बात नहीं, कल पक्का। कमाल का दोस्तों। तो दोस्तों, आज तो हमने जंग जीत ली, क्योंकि वैसे आज हमको फिर से खाने को मिलेगा बहुत मस्त और बहुत ही स्वादिष्ट मशरूम। तो ठीक, हाँ चलिए चलिए, दादी को भी हम पहुँचा देते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, ये दादी के लिए पैक हो रहा है, तो दादी को भी हम उधर ही पहुँचा देंगे। क्या है कि क्या नाम है, हम लोग कभी भी अपने बड़े बुजुर्गों को ऐसे छोड़ते नहीं हैं। बहुत है पप्पू, ज़्यादा भी नहीं खा पाएंगे, उनका कहीं पेट उट गर्म हो गया तो वो भी दिक्कत है। अभी उम्र भी देखना है ना हम लोग को। अरे अच्छा, कैसे नहीं लगेगा, मगर हम लोग को उनको ध्यान देना है कि ज्यादा भी नहीं, कि वो लोग खत्म ना हो सके। अच्छा ठीक है, रुकिए बस चलते हैं। हो गया ना, तो पप्पू हो गया रेडी, लाइए जल्दी पहुंचा दे रहे हम। ठीक है, आप आते रहिए, वहीं चप्पल में मिलते हैं ना। हाँ चलिए, नहीं चप्पल में ही धोएंगे, जैसे कि हम लोग आदिवासी लोग नॉर्मली धोता है। इधर दिखाइए, एक बार दिखा दीजिए। वाह कमाल पप्पू, मजा आ गया, आज तो मिलेगा खाने। तो चलिए चलते हैं दादी के पास और देखते हैं उनका बेहतरीन रिएक्शन कैसा लगता है उन्हें, जैसे हम ये लोग देते हैं। तो चलिए दो, पहुंच गए हैं दादी के घर। तो देखते हैं दादी का रिएक्शन क्या होगा मशरूम जाने के बाद। गीती अखंता एक नाम नहीं हम आमिन ते गिनी सब कड़न कौन सकम उड़ सकम नाम राम हाँ नहीं या पुपू से तादाना उलाए। सुबह सुबह गई थी पुपू खोज के लाई, तो बेसे उलाए ना ते मिते इतने 2 लाख तो सकम इधर तो काई कागे ने ना अनिमिर अमोदंग सेन बड़ा मस्किल, तो इसीलिए ना दोस्त संगे को मेता को तरह देखियो दादी के पास हम लोग जाके आ रहे हैं, दादी को मशरूम देके आते हैं, क्योंकि अभी उनका ऐसा उम्र है कि नहीं जा पाता है वहाँ, है ना दादी। तो कैसा लगा दादी? अच्छा हर नए लड़के तो सुख के माँ ये ना गिदा बस 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 आप आशीर्वाद गिदंग अले दो अरे सच में हम तो भूल ही गए थे। का दाल सकीम केला दादी केला नहीं अदो ने दारू रेगी मजा मत आकना, मतलब पेड़ पे पका हुआ केला है तो इना के मारा हो गया। हाँ घर में ही ना के दो
साथियों अब हम लोग चलते हैं फिर से फुफू के पास। यहाँ दादी को तो हम लोग ने दे दिया है मशरूम, तो अब फुफू चपकल में धो रही है, तो आपको दिखाते हैं ट्रेडिशनल वे जो कि नॉर्मली यहाँ आदिवासी लोग करते हैं। घर में तो ऐसे उतना पानी होता नहीं, तो उसको साफ करने के लिए थोड़ा अधिक पानी लगता है, अच्छे से धोना रहता है। तो आपको ले आए हैं हम उसी तरीके पे, लीजिए। अब हम लोग लगभग पहुंच गए हैं फुफू के पास जो कि चपकल में। तो हम दादी के पास थोड़ा बात करने में लेट हो गए। देखिए फुफू ने मशरूम धो दिया है और हमको ड्यूटी दे दिया है कि जाओ घर जाके आलू काटो। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग चलते हैं सीधा घर की तरफ, बाल्टी भर ले रहे हैं। ठीक को जा रहे हैं हम ना। ठीक है दोस्तों, देखिए फुफू धो ले रही है, उनको धोने दीजिए। चलिए ठीक आइए, हम बढ़ रहे हैं। चलिए दोस्तों हम लोग निकलते हैं घर को। तो साथियों आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। और अभी तक का आपने वीडियो देखा तो कल के वीडियो में हम लोग दिखाएंगे इसकी रेसिपी, यानी हमारे झारखंडी हमारे आदिवासी तरीके से गांव देहात के तरीके से कैसे बनाया जाता है इस मशरूम को, उसकी पूरी रेसिपी कल हम आपसे शेयर करेंगे। तो आज का वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, इसीलिए हम लोग को इस वीडियो का अंत यहीं पर करना पड़ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अभी के लिए आप लोग से अलविदा चाहेंगे। तो ऐसे ही हम लोग से जुड़े रहें, प्यार बनाए रखें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग ऐसे और बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं कल इसके सेकेंड पार्ट के साथ। बाय, गुड नाइट।